गुड आफ्टरनून मुजीब गुड आफ्टरनून प्रतीका वेरी वेल गुड आफ्टरनून सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दो और बाकी सभी को बता दीजिए अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे साथ स्वेट पीजी के पी वाई लेकर आए हैं हम ठीक है इलेवंथ मार्च से ट्वेंटी एट मार्च के बीच में आपकी एग्जाम होगी स्वेट की यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन वालों की एग्जाम कब है इलेवेंथ मार्च से लेकर ट्वेंटी एट मार्च के बीच में तो आपको पी वाई क्यूब एक्सप्रेस में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो स्वेट में पूछे गए यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आते हैं किस टाइप के क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से कैसे बनते हैं इसलिए हम किसका डिस्कशन करते हैं क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं जितना रिवीजन ऐसा हमेशा कहता हूं मैं आप लोगों को जितना रिवीजन इंपॉर्टेंट है उतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है तो जल्दी से बता दीजिए सब लोग कहाँ पर हैं फटाफट मुजीब प्रतिका जुड़ गए हैं और भी लोग जुड़ते जा रहे हैं जल्दी से तो सभी लोगों को बता दीजिए देख हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है इसमें हम पी वाई की सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्वेट के डिस्कस करेंगे और आपको स्वेट के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ देना चाहता हूँ कि स्वेट का एप्लीकेशन फॉर्म की डेट निकल चुकी है यानी कि कब से स्टार्ट हो चुके हैं स्वेट के एप्लीकेशन फॉर्म एनरोल होना कब से 26 दिसंबर से और ये कब तक चलेंगे ये अभी भी कंटिन्यू चलते रहेंगे कब तक 24 जनवरी तक यानी कि अभी बाकी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं तो जब तक आप क्या कर सकते हो यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किया है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन का तो आप अप्लाई कर दीजिए क्योंकि लास्ट डेट कौन सी है तो लास्ट डेट मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर लास्ट डेट ट्वेंटी फोर्थ सॉरी ट्वेंटी फोर्थ जनवरी है ठीक है वही में यदि आपकी किसी वजह से पेमेंट नहीं हो पाता है तो ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी को भी आप शाम को पाँच बजे तक वहाँ पर पेमेंट भी कर सकते हो बट उतना सब तक करना ही क्यों है उतना सब कुछ करना ही क्यों है बल्कि हमें क्या करना है हमें अभी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है ठीक है ओके और आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया तो अभी कर दो बार बार बोल रहा हूं क्योंकि लास्ट डेट आने वाली है करीब है और आप मल्टीपल फॉर्म्स के लिए एलिजिबल हो यानी कि आप लाइफ साइंस का फॉर्म भी भर सकते हो आप केमिस्ट्री का आप बायोकेमिस्ट्री का फॉर्म भी भर सकते हो यानी कि और या आप माइक्रोबायोलॉजी का भरना चाहते हो तो वो भी फिल कर सकते हो या फिर आप क्या आप चाहते हो कि नहीं मुझे माइक्रोबायोलॉजी नहीं साथ में बोटनी का भी भरना है तो वो भी भर दो जूलॉजी का भरना है तो वो भी फिल कर सकते हो आपके पास स्वेट ने ऐसी फैसिलिटी एक तरह से प्रोवाइड की है कि आप मल्टीपल फॉर्म्स को फिल कर सकते हो तो जल्दी से सभी को बता दीजिए सेशन में ज्वाइन हो जाइए और याद रखिएगा कल का सेशन ऑन टाइम होगा तो कल के सेशन में भी जुड़ जाइएगा और हम क्वेश्चन डे बाई डे इंक्रीज करते जाएंगे ताकि आपको एक बार प्रैक्टिस होने लगेगी तो आप लोग आज थोड़े कम होंगे कल और ज़्यादा होंगे फिर परसों और ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है ना आप लोगों को पता नहीं होता कुछ लोग जुड़ पाते हमसे कुछ नहीं उनके क्वेश्चन रह जाते हैं तो इसलिए सभी लोगों को बता दीजिएगा और ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा और आपने अभी तक स्वेट के फॉर्म नहीं फिल किए तो फिल कर दीजिए डेट मैं आपके बाद सामने बता चुका हूँ 24 जनवरी लास्ट डेट है मल्टीपल फॉर्म्स आप फिल कर सकते हो जरूरी नहीं आप बोटने से तो आप माइक्रोबायोलॉजी या फिर सोइल साइंस का फिल नहीं कर सकते आप दोनों फिल कीजिए फायदा आप ही का है इसलिए मल्टीपल फॉर्म्स है और याद रखिएगा इलेवंथ मार्च से ट्वेंटी के बीच में एग्जाम होगी आपकी ठीक है तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया वो सेशन को लाइक कर दो और फटाफट सभी को बता दो यार क्या है है ना कि हम लोग क्या क्या स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फूड बॉन्ड बैक्टीरिया दैट कॉजे एक्यूट बैक्टीरियल वॉमिटिंग एंड डायरिया इनमें से कौन से चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शन गिवन है ना एभव हाँ बिलो लिख दिया ठीक है अबव में जो जो ऑप्शंस दिए हैं आपको बताइए उनमें से कौन कौन से करेक्ट है वो कैसे फूड बॉन्ड बैक्टीरिया ठीक है वो क्या करते हैं दैट कॉजेस एक्टिव दो तरह के इन्फेक्शन होते हैं एक्यूट और क्रॉनिक क्रॉनिक लॉन्ग टाइम इन्फेक्शन को ठीक है क्रॉनिक बोला जाता है एक्यूट के इन्फेक्शन शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं तो एक्यूट बैक्टीरियल वॉमिटिंग एंड डायरिया के लिए कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं इसमें से तो गुड आफ्टरनून सभी को जल्दी से बताइए फटाफट और आप लोग सेशन को जितना ज़्यादा व्यू करोगे जितना ज़्यादा देखोगे उतना ही हम अच्छा लेकर आते रहेंगे आपके लिए ये एक स्टार्टिंग है हमने सोचा आप लोगों के स्वेट के हम आई टी जे के गेट बी के सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं तो स्वेट के क्यों नहीं करवाया जाए तो आपके लिए भी स्वेट के लिए भी लेकर आएँ बट आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए सभी लोग डेली बेसिस पे ज्वाइन होना चाहिए तभी हम सेशन को कंटिन्यू रखते हैं है ना एग्जाम मैपिंग सीरीज शाम को पाँच बजे यानी कि अब स्टार्ट हो जाएगी पाँच बजे में एग्जाम मैपिंग सीरीज तो वो अटेंड करना ना भूले इसी चैनल पर होगी पाँच बजे है ना तो चलिए तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है तो फटाफट करते हैं इसमें से टाइम वेस्ट किए बिना आप आप लोगों को आता है तो ऑब्वियसली अपने किसी ने आंसर तो नहीं किया हाँ किसी ने किया है क्लोज स्टेडियम टिटेनी आपको ऑप्शन बताना है ओके किसी ने ऑप्शन नंबर थ्री बताया किसी ने ऑप्शन नंबर टू बताया है ठीक है तो बताइए फटाफट क्लोज स्टेडियम टिटेनी तो ऑब्वियसली है ना बिल्कुल होना चाहिए कोसेस ठीक है तो क्या होना चाहिए आपको बताना है क्लोज रेडियम टिटी नहीं होना चाहिए नीचे नहीं के ऑब्वियसली होना चाहिए क्या होना चाहिए मुझे आप बताइए फटाफट तो मैं बताता हूँ आपको फिर ठीक है कभी कभी मैं कंफ्यूज कर देता हूँ है ना किसी के आप ऑप्शन यहां पर देख कर ना बताएं अपना किसी का टू आया है मोस्ट वेलकम ओके 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 अंकिता ठीक है पलक शर्मा साक्षी इन्होंने थ्री टू थ्री टू किसी का क्या आ रहा है देखो जरा इनमें से ये क्या है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं शाही गला ये भी गॉस करती है आपको नहीं पता तो आपसे ध्यान रखिएगा क्योंकि इसलिए तो हम पीवाई की वह कोई भी क्वेश्चन क्यों डिस्कस करते हैं ताकि आपसे याद रखो नहीं पता है तो और पता है तो इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं शाई गला वॉमिटिंग और डायरिया में वो बैक्टीरिया की स्पेशीज है वो कॉज करती है बिल्कुल सही बात है और उसके बाद हम देखें सालमोनेला सालमोनीला टाइफी याद है जो टाइफाइड कॉज करता था है ना तो सालमोनेला टाइफी इज़ द करेक्ट आंसर जो टाइफाइड कॉज करता था और आप बता है आपने पढ़ा भी है कि टाइफाइड में ये सब चीज़ें होती रहती है बहुत दिनों तक आप बाहर से खाना खा रहे हो तो आपको टाइफाइड होने के चांसेस या फिर ठीक है इन चीज़ों के चांसेस बढ़ जाते हैं आपने सुना भी है तो सालमोनेला टाइफी साल्मिनल स्पीशीज के ही सालम्मिनल टाइफी टाइफाइड कोर्स करते हैं तो एक ऑप्शन ये हो गया सुडोमोनास एरिजिनसा ये भी नहीं करता ऐसा कुछ कोर्स क्लोस्टिडियम टिटेनी टिटेनस कोस करता है ये बात बिल्कुल सही है बट ये वॉमिटिंग और ये नहीं करता तो हमारा ऑप्शन ये भी नहीं होगा आपका क्या है यरसिन एंटेरो कोलिटिका ऑप्शन में पता चल रहा है एंटेरो मतलब क्या होता है गट है ना तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ई ए बी इज द करेक्ट आंसर ये बी इज़ द करेक्ट आंसर तो आप लोगों से किसी ने भी नहीं दिया कोई बात नहीं पर दे दीजिएगा जरूर और सभी को इन्फॉर्म कर देना कि हमारे स्वेट पीजी के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया मतलब पूरे इंडिया में ऐसी कोई सी क्लासेस नहीं है जो आपको स्वेट के बारे में प्रॉपर गाइड करती हो स्वेट यूजी की आपको बहुत सारी मिल जाएगी बट स्वेट पीजी के लिए यानी कि स्वेट पीजी यानी कि आप मास्टर्स करने जा रहे हो आप ये एग्जाम देके आप मास्टर करने जाओगे तो यानी कि सोमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको कोई भी एक ट्रस्टेबल सोर्स नहीं मिलेगा और कोई भी इतना कुछ हम रिकॉर्डेड बेचेस चला रहे हैं आप लोगों के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको है ना लेक्चर सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको सोएट की लाइफ साइंस के लिए माइक्रोबायोलॉजी के लिए बायोकेमिस्ट्री के लिए और बोटने के लिए जूलॉजी के लिए और इन सभी कोर्सेज के लिए हम आपको रिकॉर्डेड कोर्स सब चीज़ें प्रोवाइड कर ले लेक्चर सीरीज है ना टेस्ट सीरीज भी जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं अभी आपके पास प्रैक्टिस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और यूट्यूब पे हमेशा ऑलवेज 365 डेज हमारा एक वाई लाइफ चलता ही रहता है ठीक है जो आपको स्वेट की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा तो सेकंड क्वेश्चन परवीन हाँ स्वेट पीजी के लिए ऑनलाइन कम क्लासेस अवेलेबल है इसके लिए आपको हमारा रिकॉर्डेड कोर्स लेना होगा क्योंकि हर कंटेंट हम यूट्यूब पे डिलीवर नहीं कर सकते मैक्सिमम करने का ट्राई करते हैं पर टाइम उतना मिलना भी चाहिए क्योंकि कि किसी भी चैनल पे हम इतना कंटेंट नहीं दे सकते आप देखोगे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक करते हो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को व्यू करते हो तब जाके हम कोई सीरीज़ लेकर आना पड़ता है क्योंकि हमें लगता है कि आप लोग पसंद जा कर रहे हो इसीलिए हम लेकर आते हैं है ना और पूरा लाना पॉसिबल नहीं होगा फिर हमारे यूट्यूब पे हमें आई टी का भी पढ़ाना होता है और ये सभी चीजें होती है तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाता इसलिए हमारे पास हमारा ऐप है वहां पर आप जाके देखिए डेफिनेटली मिलेगा आपको द रेडिएशन सोर्स फॉर टेम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए रेडिएशन सोर्स क्या है यूवी लाइट एक रेडिएशन सोर्स है क्या है ना आप यू ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज करते हो तो, तो आप एक बीम ऑफ लाइट पढ़ते हो ना ठीक है तो वो कैसे है? कौन सी लाइट का यूज़ करते हो आप एक इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करते हो या वहां पर विजिबल लाइट का यूज़ करते हो या या वहां पर माइक्रोवेव्स का यूज करते हो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इसका नाम में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आ रहा तो याद रखिएगा जिन लोगों ने सेकंड आंसर दिया वो बिल्कुल करेक्ट है साक्षी ने सेकंड आंसर दिया है प्रतिका ने सेकंड आंसर दिया है चंदन ने भी सेकंड आंसर इलेक्ट्रॉन बीम दिया है उर्मिला ने भी सेकंड आंसर दिया है और परवीन ने भी बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है आप सभी लोगों ने इलेक्ट्रॉन बीम का तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं इनकी प्रैक्टिस होना जरूरी है तभी ताकि, ताकि आपको पता चलेगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक ऑप्शन थोड़ा सा इशू क्यों नहीं हो रहा है फिर चलिए अब आपको दिखेगा गुड तो बताइए फटाफट हेयर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड लिस्ट वन में क्या दिया है और इसमें क्या दिया है फटाफट बताइए तो देखो जरा आपको मैच करना है फटाफट बताइए नहीं तो फिर मैं सॉल्व करवाता हूं क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें ज्यादा सॉल्व करवाना टाइम हमारे पास कम है देखिए वेनकोमाइसिन बैक्टी या बेसी ट्रेसिन सॉरी स्ट्रेप्टोमाइसिन और एम्फोटेरिसिन ठीक है इसको मैच करना है कि ये कौन कौन से उसमें ऑप्शन के साथ मैचअप होती है ठीक है बैसिलस बेसिलसलिस के लिए क्या है सबके लिए क्या है बताइए फटाफट स्ट्रेप्टोमाइसिन कब यूज करते हो किसके लिए यूज करते हो स्ट्रेप्टोमाइसिस क्राइसिस के लिए बिल्कुल थर्ड आंसर जिसका है प्रतिका यू आर बिल्कुल करेक्ट आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है मैंने यहीं पे भी सॉल्व करके आपको बताया है ठीक है तो पहले आपको जो सबसे ज्यादा बेच ऑफ द फॉलोइंग में जो सबसे अच्छे से आता है उसको आपको सबसे पहले ढूंढना है इनमें से आपको सबसे ज्यादा क्या लगता है कि मुझे स्टेप्टोमाइसिन आता है वो यहां पर भी पता चल रहा है ग्राइसियस के साथ होता है तो आप क्या बोलोगे स्टेप्टोमाइसिन किस लिए यूज करते हैं स्टेप्टोमाइसिस के लिए तो थर्ड ऑप्शन इज द अब सी का थर्ड किस में दे रखा देखो सी का थर्ड दो ऑप्शन में दे के रखा है दो ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गए बाकी के दो ऑप्शन में सी का थर्ड दे के रखा है तो चलो आपको लगता है फिर कि मुझे है ना एम्फोटेरिसिन आता है एम्फोटेरिसिन आता है तो ज़रा देखो एम्फोटेरिसिन किसके लिए स्टेप्टोमाइसिस नोडोस के लिए है तो इसका क्या आ जाएगा सेकंड इसका आ जाएगा तो सेकंड किस में दिया है इसमें एक ही में दिया है इसमें नहीं है तो ऐसे ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो वैसे ये आपको नहीं पता होगा ये बैक्टीरिया का इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपको बैक्टीरिया का नहीं पता होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं ला सकते क्वेश्चंस वैसे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर आ रहा हूँ ये मैंने खुद ने नहीं बनाए हैं ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाए हैं ठीक है तो ताकि आपको एक बार रिवाइज हो सके कल से इसमें से एक भी बैक्टीरिया का नाम या कुछ भी कोई भी एक, एक एंटीबॉडी ठीक है इसे किसी का भी नाम आ गया ताकि आपको याद रहेगा कि हमने ये कभी किया था वैनकोमाइसिन को आप किसके साथ करोगे स्ट्रिप्टोमाइसिस और इंटेलिस के साथ अटैच करोगे वही बेसिटेरेसिन किसके लिए बेसिलसप्टेलिस के लिए यूज़ किया जाती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट दिए हैं इन द लाइट ऑफ द अब स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो स्टेटमेंट वन एंड सेकंड करेक्ट है क्या स्टेटमेंट वन एंड सेकंड दोनों ही इनकरेक्ट है क्या स्टेटमेंट वन करेक्ट है बट स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है क्या या स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट बताइए फटाफट क्या है फाइटो हॉर्मोन इथाइलिन ठीक है हार्मोन आपने फाइटो हॉर्मोन पढ़े होंगे ना जो प्लांट के अंदर फाइटो मतलब होता है प्लांट तो प्लांट के हॉर्मोन की बात हो रही है तो फाइटो हॉर्मोन इथाइलिन है ना आपने ऑक्सीन साइटोकाइनिन इथाइलिन एपसिक एसिड ये सब आपने पढ़ा है किसमें अंदर प्लांट हॉर्मोन के अंदर तो उसी की बात हो रही है कि फाइटो हॉर्मोन इथाइलिन प्रमोट सेनिसेन्स ठीक है सेनीसेंस एंड एप्सिजन ऑफ द प्लांट ऑर्गन बताइए फटाफट तो किस कुछ लोगों का वन आया है चंदन प्लक का वन आया है परवीन का थर्ड आया है देखिए करता है क्या हाँ ऑब्वियसली करेगा सेनिसेस और एक्सीजन करता है ठीक है फाइटो इथाइलिन हॉर्मोन जो है वो एक्सीजन में भी रोल प्ले करता है नहीं पता तो याद रखिएगा तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है द मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ इथायलिन इज इथेपोन यदि आपने अभी तक स्वेट के पीवाई नहीं लगाए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर लग रहा लगा मैं आपको मौका दे रहा हूँ फिर से स्वेट के एग्जाम करीब इसीलिए लेकर आया हूं तो यहां पर सॉल्व करो एटलीस्ट आकर और दूसरों को भी बताओ वो भी आए ठीक है तो सेशन को लाइक जरूर कर दो यार इतने लोग देख रहे हैं सेशन को लाइक भी नहीं कर रहे हो द मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड इज द सोर्स ऑफ इथाइलिन का सोर्स सबसे ज्यादा ठीक है किस फॉर्म में यूज़ किया जाता है इथाइलिन तो ये भी इथेफोन की फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है नहीं पता तो याद रखिएगा द मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ इथाइलिन इज इथे फोन तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू करेक्ट है तो कहाँ पर हमारा ऑप्शन है फर्स्ट में ये बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर द करेक्ट आंसर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं हम टेम्पलेट स्टैंड ऑफ अ सेगमेंट ऑफ has nucleotide sequence, उन्होंने क्या देके रखा है तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता से क्या दे रखा है, जी सी टी ए जी सी और ये फाइव प्राइम ठीक है तो व्हाट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विल बी प्रेजेंट इन द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट ये क्या है तो ये किसका सीक्वेंस है उन्होंने बोल के रखा है कि ये एक जीन का सीक्वेंस है फिर आपको क्या करना है सीक्वेंस विल बी प्रेजेंट इन द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट यानी कि इससे बनने वाले आरएनए का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होगा बताइए फटाफट तो किसी को आया आंसर इसका आंसर किसी को पता है क्या परवीन ने आंसर दिया थर्ड। बताइए फटाफट नहीं उन्होंने डिलीट कर दिया ठीक है कोई बात नहीं फिर उन्होंने आंसर दिया है सेकेंड परवीन ने और बाकी लोग क्या कर रहे हो बाकी लोग कब आंसर करोगे यार पलक का आंसर आया है फोर्थ चंदन का आंसर आया है फोर्थ और भी लोग क्या कर रहे हैं फिर बताओ फटाफट बाकी लोग जल्दी से ओके 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 टू 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 आया है ओके उसके बाद चलिए देखते हैं अब ये आपको पता है कि यदि आपको क्या करना है यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन करना है तो क्या हुआ एक जीन का सीक्वेंस देके रखा है उस जीन में से आपको यदि डीएनए से ही फर्दर डीएनए बनाना है तो आप क्या करते हो डीएनए रेप्लीकेशन होता है आपके सेल के अंदर क्या होता है डीएनए एन रेप्लीकेशन होता है बट जब जीन से या फिर डीएनए के सीक्वेंस से आपको क्या बनाना हो आर बनाना हो तो आप उस प्रोसेस को क्या बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस फॉलोअप होगी आपकी ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल सच बात है अब ट्रांसक्रिप्शन आपको पता है किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होता है फाइव प्राइम से थ्री प्राइम डायरेक्शन में होता है किस डायरेक्शन में होता है थ्री प्राइम के डायरेक्शन में होता है ठीक है तो अब इस स्टैंड पे क्या होगा ऊपर वाले स्टैंड पे क्या है जी तो इस स्टैंड पे क्या होना चाहिए सी ऊपर क्या है सी तो यहां पर जी टी ए तो फिर यहां पर ए और फिर ए की जगह टी आता है यदि डी ए होता तो बट यहां पर आर एन ए तो फिर ए की जगह क्या आना चाहिए यू और एक ही जगह फिर से क्या आना चाहिए यू आना चाहिए और फिर और देखना चाहते हो तो आप क्या आना चाहिए यहां पर जी की जगह सी और सी की जगह जी तो सी जी ए यू यू सी जी किसमें दे के रखा है हियर इज द करेक्ट आंसर ठीक है इसलिए हाँ बिल्कुल सवा बिल्कुल यूरासिल होगा ठीक है यूरासिल बिल्कुल डेफिनेटली होगा इसीलिए ये भी ऑप्शन सही हो सकता था बट यहाँ पर क्या दे क्या दे के रखा है थाइमिन थाइमिन नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने क्या दे के रखा है आर एन ए बोल के रखा है डी एन ए बोल के रखते तो थाइमिन हम बोल सकते थे कि कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंस क्या होगी थाइमिन वाली होगी बट उन्होंने क्या दिया है आपसे क्लियर लिखा है आर एन ए ट्रांसक्रिप्ट इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा वहाँ पर सेकेंड ऑप्शन क्योंकि यूरासिल यूरासिल आ जाएगा ठीक है बाकी तो कॉम्प्लीमेंट्री आपको पता है क्या कि यदि A आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है टी ठीक है वही जी आएगा तो उसका कौन है सी और यदि जी तो है अप्रोप्रिएट सिक्वेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ठीक है इनमें से करेक्ट सिक्वेंस का पता लगाइए कीजिए किसके प्रोडक्शन के लिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डेंडेट्रिक सेल्स फ्रॉम हिमेटोपोटिक स्टेम सेल कहने का मतलब यह है

तो स्टेम से सेल से कैसे सेल्स बनती है स्टेप बाय स्टेप हमको बताइए यह बोलना चाह रहा है क्वेश्चन देखिए जरा बताइए फटाफट ओके और मिला आपको अब समझ में आ गया ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बताइए स्क्रीन पर है आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको सिक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है हेमेटोपोटिक स्टेम सेल से फाइनली डेंडेटिक सेल्स बन रही है स्टेम सेल से और भी सेल्स बनती है बट उसने पूछा है कि हेमेटोपोटिक स्टेम सेल से मुझे डेंडेटिक सेल्स बताना है तो बीच की वो सारी स्टेप्स यहाँ पर मुझे मैंशन करके बताओ किसके बाद क्या सी स्टेप्स आएगी ठीक है बताओ जल्दी फटाफट तो उर्मिला का आंसर पलक का आंसर अच्छा ओके परवीन आपने इम्यूनोलॉजी नहीं पढ़ा क्योंकि आप हमारे ऐप लाइव में नहीं होंगे या फिर आप रिकॉर्डेड कोर्स में नहीं होंगे इस वजह से नहीं पढ़ पाए होंगे चलिए कोई बात नहीं बट स्टिल मैंने हमने यूट्यूब चैनल पर इसी चैनल पर आपको पढ़ाया है ठीक है तो बताओ फटाफट बाकी लोग भी आ... प्रतिका का बिल्कुल करेक्ट आंसर है नुजीब का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है पलक का भी उर्मिला का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है सेकंड इज द करेक्ट आंसर तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना कि है।, तो है कि पहली स्टेप में स्टेम सेल्स कन्वर्ट होती है तो उन्होंने वही देखे रखी स्टेम सेल्स इन बोन मेरो तो मैंने ये तो आपको हिंट भी दे दी थी तो स्टेम सेल्स इन बोन मेरो सबसे पहले स्टेम सेल्स काम आपको डिफ्रेंशिएशन तो कब करोगे तब स्टेम सेल्स तो कौन सी स्टेम सेल्स वो भी स्टेम सेल्स ठीक है उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे है ना यहाँ पर आपसे बोला गया है मैं आपने आपको बताया था कि एच के बाद दो तरह के प्रोजेनाइटर सेल्स निकलते हैं एक होते हैं माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल और सेकंड वन कौन से होते हैं लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल लिम्फोइड और माइलॉइड लिम्फोइड से बी सेल्स यानी कि बी लिम्फोसाइड टी सेल्स यानी कि टी लिम्फोसाइड्स और कौन नेचुरल किलर सेल्स यानी कि एन सेल्स का फॉर्मेशन होता है लिम्फोइड प्रोजेनाइट सेल से ठीक है वही मैं बात करूं माइलॉइड प्रोजेनाइटल सेल से तो उससे बागमोनोसाइड और ये स्मेक्रोफा सेल्स और ये सारी सेल्स का फॉर्मेशन होता है किससे मैक्सिमम सेल्स का फॉर्मेशन माइलॉइड लीनियस होता है तो देखो हेमाटोबोयोटिक स्टेम सेल्स के बाद वो कौन से स्टेज में जाएगी या तो लिम्फोइड या माइलइड बट आपको जेनेटिक सेल्स बनाना है यहां पर किसका ऑप्शन देखे रखा अकेला माइलोइड का तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा सी के बाद ए ए के बाद जरा देखो मोनोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो रहा है या मोनोसाइट का फॉर्मेशन हो रहा है या डेंडेटिक सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है किसका फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके बाद मोनोब्लास्ट सेल का फॉर्मेशन होगा मोनोब्लास्ट सेल से फिर आगे फर्दर और भी सेल्स जाएंगे तो सी के बाद ए ए के बाद बी और क्या हो जाएगा यहाँ पर फिर हम बात करें मोनोसाइट्स की है ना तो मोनोसाइट्स साइट्स में भी होंगे क्योंकि मोनोसाइट्स और डेंडेटिक सेल्स फिर बनेंगे सी ए बी डी और फिर ई अब ऐसा यहां पर लिखा नहीं है कि मोनोसाइड से डेंटिटिक सेल्स बन रहे क्या बट मोनोसाइड से ऑप्शन में देख रखा तो आपको पहले मोनोसाइट्स बनते हैं उसके बाद उसके साथ डेंटिटिक सेल्स बनते हैं तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है ठीक है तो जल्दी से आपने सेशन को लाइक नहीं किया हो तो कर दो और बाकी सभी को कौन बताएगा ठीक है अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दो कि स्वेट का फॉर फर्स्ट टाइम आप किसी भी यूट्यूब पे देख लेना कहीं पे भी देख लेना यदि स्वेट के पी मिल जाए तो इट्स माई गारंटी पीवाईक्यू क्यू नहीं मिलेंगे कोई भी क्वेश्चन डिस्कशन नहीं मिलता ठीक है तो प्रॉपर कंटेंट हम तभी ला पाते हैं तब आप लोग थोड़ा अपना इंटरेस्ट दिखाओ ठीक है तो बताइए विच मॉलिक्यूल एटीपी नॉट डोनेट यदि कुछ क्वेश्चन यदि आपको इजी लगे या कोई सा क्वेश्चन भी नहीं बन रहा हो तो से बनने लगेगा इसीलिए डिस्कशन है विच मॉलिक्यूल एटीपी डज नॉट डोनेट इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो एटीपी डोनेट नहीं करता एलटीपी में तीन चार क्या मतलब सॉरी तीन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है एडिनोसाइन ट्राइफोस्फेट यहां पे एडिनिन होगा तीन तीन फोस्फेट होंगे तो इसमें पूछा है कि क्या इंक्लूड नहीं करता फोस्राइल ग्रुप इंक्लूड नहीं करता या डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियस सॉरीबोस ग्रुप इंक्लूड नहीं करता या फोस्राइल ग्रुप इंक्लूड नहीं करता एडिनाइल ग्रुप इंक्लूड नहीं करता एटीपी बताइए फटाफट ये तो बहुत ईजी है यार आंसर आ जाना चाहिए सभी लोगों का सेकंड इज द करेक्ट आंसर क्योंकि वो फोस्फेट तीन तीन ग्रुप है ट्राइफोसफेड एडीनाइन ट्राई फोस्पेड या आप क्या बोल सकते हो एडीनाइन एदिन नहीं एडिनोसाइन ट्राई फोस्पेट यानी कि ए टी पी और ए टीपी में फोस्फेट कितने हैं यहां पर तीन फोस्फेट है यदि ए एम पी होता तो एडिनोसाइन बोनो फोस्फेट हो जाता यानी कि सिंगल फोस्फेट है और यदि ए डी पी होता तो एडिनोसाइन डाई फोस्फेट हो जाता ठीक है अब आपसे बोला गया इसमें डी ग्रुप कहीं पे नहीं है है ना तो डी ग्रुप होता तो आप इसको रखते पर इसमें क्या लिखा है डज नॉट डोनेट एटीपी कौन नहीं बना रहा है ग्रुप बिल्कुल बना रहे यहां पर दो ऑप्शन में तो ग्रुप ही दे दिया है ठीक है तो चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डज नॉट पूछा था वैसे भी तो डी ऑक्सी राइबोस डिफरेंस इन द एब्सॉर्बन ऑफ लेफ्ट एंड राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट इज मेजर्ड बाय यानी कि आपको बोला गया है कैसे लाइट लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट या राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट आप कैसे पता करते हो ये आपने क्या करा एक लाइट पास ऑन की और लाइट पास होने के बाद वो मान लीजिए को ये कोई एक रे है जो आपने पास करी और यहाँ पर आपने प्रिज्म को रख के रखा है और तो ऐसे हम बोलते यदि वो राइट right साइड में हो रही है पास तो आप उसे क्या बोलोगे राइट प्लेन पोलराइज लाइट या फिर वो लेफ्ट साइड में हो रही है तो आप उसे क्या बोलोगे लेफ्ट प्लेन पोलराइज लाइट तो ऐसा करना है आपको ठीक है और क्वेश्चन का नंबर और ज्यादा बढ़ाते जाऊंगा मैं क्योंकि आप लोग अभी आज अच्छा रिस्पॉन्स दोगे इसलिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं बाकी लोग के लोग सेशन को लाइक जरूर कर दो यार है ना स्वेट पीजी के पीवाई की कोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम और भी चीजें लेकर आएंगे हम स्वेट की डोंट वरी बहुत सारी चीज थी स्वेट की और भी बाकी बट इट डिपेंड्स ऑन यू ऑलगाइ ये सब आप पर डिपेंड करता है ना आप जब तक अच्छा रेस्पॉन्स नहीं देते हो तो फिर हमें ऐसा लगता है कि आप स्वेट में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो है ना क्योंकि जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया उन लोगों ने तो हमारा रिकॉर्डेड कोर्स ले लिया है बट आप लोगों के लिए जिन्होंने नहीं दिखाया उनके लिए हम यूट्यूब पर लेकर आते कंटेंट थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ो ना यार चलिए बहुत सारे लोगों का आंसर आया है क्या है इसका आंसर देखो जरा तो राज आईआईटी जैम के पीवाईक्यू मैंने कब के करवा दिए पीवाईक्यू एक्सप्रेस के नाम पे मैंने खुद ने पीवाईक्यू एक्सप्रेस लेकर आया था और वहां पर आईआईटी जैम के पीवाईक्यू भी करे उसके साथ साथ हमने दोबारा पीवाईक्यू भी लगाए लास्ट वीक तक ठीक है तो आईआईटी जैम के पीवाईक्यू भी बहुत हमने दो दो बार आपके सामने इसी यूट्यूब चैनल पर हैं वहाँ से अभी नहीं देखे तो आप राज आपने लेट ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन है ना थोड़ा सा देख लिया करो हमारे चैनल को नोटिफिकेशन ऑन कर लो यार पता कैसे चलेगा फिर बाद में पूछते हो तो देखो जरा है ना इसमें से एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं होगी क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता तो एन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नॉट द करेक्ट आंसर सर्कुलरली पोलराइज लाइट का यूज एक ही में करते हैं वो है सी स्पेक्ट्रोस्कोपी इतना इजी क्वेश्चन है लिखा भी है यहां पर सर्कुलर डाइक्रोइम स्पेक्ट्रोस्कोपी और यहां पर ही हम किसका यूज करते हैं है ना राइट right हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है चलिए नेक्स्ट एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोपास्ट वो किससे इन्वॉल्व हुए है, है ना एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम किसे बोलते हैं तो नहीं आता तो समझ लो ये कोई एक सेल है सेल में मैंने आपको बोला ये न्यूक्लियस है इसी में डीएनए है ठीक है ये न्यूक्लियस इसमें डीएनए है अब यहां पर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए भी प्रेजेंट है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए ये कोई सेल ऑर्गेनली है इसमें एक्स्ट्रा डीएनए भी प्रेजेंट है तो आप इसे क्या बोलोगे एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल ये क्या है ये क्रोमोजोमल डीएनए यानी कि ये मेन न्यूक्लियस है उसके अलावा और भी जींस प्रेजेंट हो रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर जिसे हम बोलते हैं ठीक है तो वहां पर क्या होगा बताओ यार फटाफट फोर्थ 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 बिल्कुल करेक्ट आंसर है जिन्होंने फोर्थ बताया है और बाकी के कुछ लोगों ने फोर्थ बताया था बिल्कुल करेक्ट आंसर है नुजीब परवीन उर्मिला के लोग तो सो गए हैं शायद आ? और आप लोग सेशन को शेयर भी नहीं कर रहे हो यार आप लोग सेशन को शेयर नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा ठीक है तो थोड़ा यहाँ पर देखो एंडोसिम्पाइसिस की थ्योरी आपने पढ़ी होगी एंडोसिम्पाइसिस में ऐसा करते हैं क्यों कौन कौन इन्वॉल्व एंडोसिम्पाइसिस की थोड़ी से मतलब एंडोसिम्बाइसिस की थ्योरी में क्लोरोप्लास्ट भी ऐसे ही इन्वॉल्व हुआ था सेल के अंदर और माइटोकोन्ट्रिया भी एंडोसिम्बाइसिस की थ्योरी या आपने इवोल्यूशन पढ़ा होगा तो वहाँ पर पता पड़ा होगा आपने नहीं भी पढ़ा तो आपसे ध्यान रखना क्योंकि एंडोसिम्बाइसिस की थ्योरी ये है ना एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल है यानी कि क्रोमोजोम तो ये रहा ये जो मैंने रेड कलर से सर्कल में बनाया है ये क्रोमोजोमल डीएनए है इसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए मिलता है क्रोमोजोमल डीएनए के अलावा कोई और डीएनए मिलता है तो आप उसे क्या बोलोगे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है क्योंकि एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए चलिए व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट अब यहां पर बोला गया व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन एनरोबिक एंड एरोबिक कंडीशन याद रखिएगा ग्लाइकोलाइसिस दोनों तरीके से होती है एरोबिक भी और एनरोबिक भी एरोबिक में एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है एनर्जी का प्रोडक्शन यानी कि एटीपी टीपी एटीपी आपको एनर्जी देती है तो एटीपी का प्रोडक्शन ज्यादा किस में होता है एरोबिक कंडीशन में बट एनरोबिक कंडीशन में एटीपी का प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है एज कंपेरिजन टू दी एरोबिक कंडीशन बल्कि ग्लाइकोलाइसिस दोनों में चलेगी एरोबिक कंडीशन के लिए भी चलेगी ग्लाइकोलाइसिस और एनरोबिक कंडीशन के लिए भी चलेगी ठीक है तो इसका आंसर बताओ फटाफट किसी का थर्ड किसी का सेकेंड थर्ड अंकिता का फोर्थ आया है उर्मिला का फोर्थ आया है राज का थर्ड आया है चलो यहां पर अब आप स्वेट पीजी का एग्जाम दे रहे हैं तो कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा तो अभी क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से सीखो पहले तो क्वेश्चन में लिखा है मैंने आपको बोला है कि उसमें उन्होंने एनोरोबिक और एरोबिक दोनों की बात करी है यहां पर रेस्पेक्टिवली लिखा है तो पहले एरोबिक का आंसर करना है फिर सॉरी का आंसर पहले करना है और फिर एरोबिक कंडीशन का आंसर करना है तो से क्या प्रोड्यूस होता है लेकिन प्रोड्यूस होता है तो बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है कोर्ट जिन्होंने फोर्थ दिया है तो वो ध्यान रखें लेक्टेड प्रोड्यूस होता है एनरोबिक कंडीशन से यानी कि यहां पर लेक्टेड प्रोड्यूस होगा किससे से ग्लूकोज से यदि ग्लूकोज से एंड प्रोडक्ट लैक्टेट बनता है तो आप वो कौन सी कंडीशन में बनेगा? एनोरोबिक कंडीशन में यानी कि जब ऑक्सीजन नहीं होगा यदि ऑक्सीजन होगा तो वो ग्लाइकोलाइसिस कैसे करेगा यानी कि ग्लूकोज कैसे कन्वर्ट होगा किसमें कन्वर्ट होगा या फिर पायरुवेट में कन्वर्ट होगा तो ध्यान रखिएगा यहां से तो लैक्टेड और पायरुवेट किसमें देखे रखा है ऑप्शन नंबर थर्ड में हियर इज योर अब ध्यान रखो थोड़ा सा है ना आई आई टी जैम बायोटेक्नोलॉजी वालों के लिए जैसे कि राज ने मुझे बोला है तो 2005 से लेकर 2023 तक के हमारे पास पी वाई का कोर्स अवेलेबल है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लगा सकते हो 2005 से लेके 2023 तक के ठीक है ये सारे लेक्चर्स आपको मिलते हैं टॉपिक वाइज सॉर्टेड भी मिलेंगे आपका माने कि नहीं मुझे टॉपिक वाइज नहीं पढ़ना है मैंने टॉपिक वाइज सॉर्टेड कर ली या फिर मुझे यूनिट वाइज देखना है तो आपको यूनिट वाइज भी मिलेंगे आप चाहते हो कि सर अब मैंने पी वाई क्यू का बहुत सारी यूनिट पढ़ ली तो मुझे अब क्या लगाना चाहिए मॉक टेस्ट लगाना चाहिए पी वाई क्यू का मतलब रेंडमली जो भी क्वेश्चन आएगा वो मुझे सॉल्व आउट करके देना तो वो भी अवेलेबल है और इसके साथ साथ इन टेस्ट का ठीक है रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर अवेलेबल है और तो ठीक है लेक्चर्स भी अवेलेबल है डिस्कशन के साथ ठीक है यह पड़ता है आपको जस्ट टू थाउजेंड रुपीज ठीक है और हमारी वेबसाइट के लिए और आई टी जैम के लिए हमने यानी कि आई एफ एस ने आज ही से क्लास स्टार्ट की है फिफ्टीन जनवरी से तो याद रखना ज्वाइन आपके जूनियर को बता देना इस बार तो आपका सिलेक्शन होने वाला है यदि आप स्वेट के एस्पायरेंट हो आई आई टी जैम में भी देना चाहते हो तो आई आई टी जैम भी आप दे सकते हो हमारा रिकॉर्डेड नहीं ये लाइव कोर्स है यहाँ पर हम लाइव लेक्चर आपको पढ़ाएंगे उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको देंगे यूनिट टेस्ट प्रोवाइड करेंगे मॉक टेस्ट देंगे यहाँ पर टीचर हैंड आउट देंगे यानी कि डी टीचर टीचर हैंड आउट का मतलब है वो पी डी एफ फॉर्म में जिसमें हम लिख लिख कर पढ़ाते हैं वो भी अवेलेबल करवाएंगे और डी पी पी भी अवेलेबल होगी डेली प्रैक्टिस पेपर के साथ ठीक है गेट बी के लिए भी हमने क आज ही से लॉन्च किया है बैच पंद्रह जनवरी से अभी तक एनरोल नहीं किया है आपके जूनियर हो ठीक है कोई भी लोगों या फिर सबको बता दीजिएगा कि हमारा बैच लॉन्च हो गया था तो इसमें भी फीचर्स सेम रहेंगे लाइव लेक्चर वही लाइव लेक्चर का रिकॉर्डेड फॉर्म में ताकि आप बाद में देख सको यूनिट टेस्ट मॉक टेस्ट टीचर हैंड आउट और डीपीपी अवेलेबल रहेगी यहाँ पर ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होगी हमारे कहाँ पर वेबसाइट पर आप इनरोल कर सकते हो या फिर वहां जाकर भी देख सकते हो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ये एक और क्वेश्चन मुझे करके बताओ फटाफट है ना टाइम कम बचाए क्योंकि पांच बजे से आप लोगों का एग्जाम मैपिंग सीरीज स्टार्ट हो रहा है तो फटाफट मुझे बताओ राइट द डिफरेंट स्टेप्स फॉर वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस ऑफ अनट्रीटेड वाटर टू ड्रिंकिंग वाटर फॉर ह्यूमन यूज इन सिक्वेंसेस सॉरी सिक्वेंसेस कैसे आ गए ठीक है चलिए वो भूल जाइए अनट्रीटेड वाटर का है ना यहां पर ही सिक्वेंस में बताना है आपको मतलब यहां पर भी लिख के दे दिया उन्होंने तो सिक्वेंशियल फॉर्म में बताओ डिफरेंट वाटर प्योरीफिकेशन स्टेप्स को बताना है और कुछ नहीं तुम्हें बताओ फटाफट फटा आता है किसी को वोटर ठीक है चलो देखते हैं है ना वाटर प्योरीफिकेशन अनट्रीटेड वाटर टू ड्रिंकिंग वाटर में आपको कन्वर्ट करना है फॉर ह्यूमन यूज ये देखिए हमारे यूज के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा तो सबसे पहले तो आपको करेक्ट सीक्वेंस के लिए पूछा जाए तो आप सभी को ऑप्शन को पढ़ लो पहले तो है ना ए क्या बोल रहा है कलर एंड प्रेसिपिटेट रिमूवल सॉफ्टनिंग प्रोसेस सेकंड सी ऑप्शन बोल रहा है टेस्ट एंड ऑर्डर रिमूवल फोर्थ है डिसइनफेक्शन फिट टर्बिडिटी रिमूवल आपको क्या करना है तो सबसे पहले आपको पता है कलर एंड प्रेसिपिटेट रिमूव करना पड़ेगा यानी कि पहले तो ये चीज़ें रिमूव करिए प्रेसिपिटेशन कैसे कर सकते हो सेटल डाउन करवा कर सेटल डाउन हो जाएगी है ना तो और वो सेटल डाउन होने के बाद वो ऊपर वाला पानी आप दूसरे टैंक में कर दोगे और जो नीचे का प्रेसिपिटेशन है यानी कि जो सेटल डाउन हुआ है उस सबको बाहर फेंकवा दोगे ठीक है तो ये होगा तो ए तो बट इससे हमारी बात नहीं बनी क्योंकि चारों ऑप्शन में ए पहला ही दिया हुआ है ठीक है चलिए देखते हैं सेकंड अगला क्या बोल रहा है है ना अगला इनमें से क्या हो सकता है सॉफ्टनिंग प्रोसेस होगी क्या हाँ पहले कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉफ्टनिंग का मतलब यह होता है कि आप रिमूव कर रहे हो मेटल्स को ठीक है तो हार्ड वाटर बोलते हैं ना हम जिसे तो हार्ड वाटर में क्या होता है मेटल्स भी होते हैं तो इसलिए आप उस वाटर को क्या बोलते हैं हार्ड वाटर मेटल्स भी रहते हैं उसके अंदर यदि उन मेटल्स को आप हटा दोगे तो वाटर को क्या बोल दोगे पहले हार्ड बोल रहे थे तो आप सॉफ्ट तो वैसे ही बोल देंगे हम मतलब वाटर हो जाएगा अब नॉर्मल बट उस प्रोसेस को बोल देंगे सॉफ्टनिंग प्रोसेस जब आप किसका रिमूव कर रहे हो मेटल्स का रिमूव कर रहे हो यहाँ पर लिखा भी है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिमूवल जब आपका प्रेसिपिटेशन रिमूव होने के बाद है ना आप किसको रिमूव करोगे कि हाँ मुझे अब क्या करना पड़ेगा पानी में जो मेटल है है ना उन सबको रिमूव करते हैं ठीक है चलिए हमने रिमूव किया थर्ड में आप क्या डायरेक्ट पीने लग जाओगे कि टेस्ट एंड ऑर्डर रिमूवल करोगे क्या पहले टेस्ट करने लगोगे क्या नहीं फिर क्या करना पड़ेगा आपको फिर आपको टर्बिडिटी रिमूव करनी पड़ेगी तो ठीक है मान लीजिए आपने टर्बिडिटी रिमूव कर दी फिर क्या करना पड़ेगा फिर उसको डिसइनफेक्ट करना पड़ेगा डिसइनफेक्शन से है ना या फिर आप टेस्ट एंड ऑर्डर का कर रिमूवल करना पड़ेगा क्या होगा यहाँ पे तो यहाँ पर पहले टेस्ट एंड ऑर्डर का रिमूव कीजिए जब वो रिमूव हो जाता है फिर क्या करोगे इसको डिसइनफेक्शन करोगे यानी कि आपका आ जाएगा ए बी ई देन सी और देन डी ठीक है तो ये ऑप्शन किसमें दिया है ए बी ई सी डी इज द करेक्ट आंसर हेलो तनु आप लेट ज्वाइन किया आपने बहुत ज्यादा है ना आप लोग सेशन को भी शेयर नहीं कर रहे हैं यार ऐसे कैसे काम चलेगा विच इज नॉट एन एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड इनमें से कौन सी एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड नहीं है विच वन इज नॉट द एंटी माइक्रोबियल पैप्टाइट है ना माइक्रोबियल के माइक्रोब से बनने वाले पेप्टाइड्स को माइक्रोबियल पेप्टाइड बोलोगे उसके अगेंस्ट काम करने वाले को एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड बोलोगे तो इनमें से कौन सा नहीं विच इज नॉट द एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड देखो डिफेंसिन किल करता है बैक्टीरिया को ठीक है बैक्टेरियल सेलवोल को डिग्रेड करता है डिफेंसिन तो वो क्या बोलोगे एंटी माइक्रोबियल बोलोगे इसे हिस्टेटिन भी एंटी माइक्रोबियल बोलोगे कैथेलिसिडिन भी एंटी माइक्रोबियल बोलोगे बट इम्यूनोग्लोबुलिन है ना ये एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड नहीं बोल सकते इसको ठीक है चलिए तो इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वन इज एज डेन एंड अदर वन इज एज अ रीजनिंग एदर्शन रीजन का क्वेश्चन है आपको बताना बताना है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है और गलत पहला वाला सही है तो गलत क्यों है ये सब आपको पता है एदर्सन रीजन तो इसी में से बताना है ओके okay, ओके okay, तनु आप कब से तीन बजे से वेट कर रही थी ओके सॉरी फॉर देट क्योंकि आई वॉज बिजी एट दैट टाइम तो हमने लेक्चर को रीशेड्यूल किया चार बजे का ठीक है है ना हम बिजी होने के बाद भी आप लोगों का लेक्चर हम मिस नहीं करते हम उसे रीशेड्यूल ज़रूर कर देते हैं बट आप लोगों को ये नहीं लेक्चर ही कैंसिल कर दिया ताकि आपका लॉस बिल्कुल ना हो ठीक है तो इनमें से बताइए क्या है पीसीआर इज अ टेक्निक टू एम्पीफाई लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफिक डीएनए पढ़ लेते हैं पीसीआर यानी कि पॉलिमरिक चेन रिएक्शन है ना पीसीआर एक टेक्निक है टू एम्पलीफाई लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफिक डीएनए इसमें से ये बोला गया है तो बिल्कुल सही बात है इसलिए तो हमने पीसीआर का पॉलीमरिक चेन रिएक्शन बार बार पीसीआर करवाने से आपका नंबर ही तो बढ़ रहा है ठीक है रीजन देखते हैं अदरसन तो बिल्कुल सही है रीजन पीसीआर टेक्निक इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप रीनेचुरेशन डी नेचुरेशन एंड सिंथेसिस नहीं 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 ये स्टेप्स यहाँ पर गलत दे के रखी है, है ना तो वो ऐसा नहीं होगा रीनेचुरेशन डी नेचुरेशन पहले तो डी नेचर करना पड़ेगा और वो ये स्टेप्स यहाँ पर गलत दे के रखी है तो रीजन तो गलत है बट ये सही है तो आप एजर्शन कहाँ पर लिखा है ए इज ट्रू बट आर इज फोल्स एजर्शन तो सही है बट उसका रीजन डेफिनेटली रॉन्ग है और रीजन सही भी नहीं है यदि रीजन सही भी हो तो फिर उसका ऑप्शन में क्या देखते हैं आप करेक्ट एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या रहेशन को तो वो भी एक चीज थी।, थी बट आपका आंसर आ चुका है तो कोई बात नहीं चलिए अब आगे देखते हैं ठीक है तो अभी तक ये क्वेश्चन आज के लिए इतना ही था क्योंकि पाँच बजे से आपको पाँच मिनट का मैं ब्रेक दे देता तो हूँ पाँच बजे से आपका एग्जाम मैपिंग सीरीज स्टार्ट होगा आई जैम वालों के लिए इसी चैनल पर इसीलिए थोड़ा सा आपको पाँच मिनट का ब्रेक हो जाएगा उससे पहले दो मिनट सुनकर जाइएगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आई जैम के लिए आई जैम बीटी वालों के लिए एट जस्ट रुपीज़ फाइव हंड्रेड ओनली ठीक है series, तो फाइव हंड्रेड में आई टी जैम बी टी के अवेलेबल है टेस्ट सीरीज़ तो इन करो टेस्ट की प्रैक्टिस करो और आई जैम का रिकॉर्डेड कोर्स वन मंथ के लिए अवेलेबल है यदि आप चाहते हो कि मुझे जल्दी जल्दी पढ़ना है तो वो भी अवेलेबल है वन मंथ के लिए तो आप देख सकते हो उसके साथ साथ ठीक है आपको क्रैश कोर्स अवेलेबल है एक एट वन टू नाइन नाइन में वो भी आप चेकआउट कर सकते हो हमारी वेबसाइट से और ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप आप में मिलेगी जो भी आपको शो हो रही है और ये आई आई जैम के हमारे रिजल्ट हैं टॉपर्स के सो थैंक यू फ्रॉम माई साइड ठीक है चलिए आपका एग्ज़ाम मैपिंग सीरीज स्टार्ट होगा पाँच बजे पाँच मिनट का ब्रेक है टिल देन बाय टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग चलिए